Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पर और हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो मुझे लगा आप लोगों को भी ले जाना जरूरी है. कहाँ पर जा रहे हैं ये तो आपको व्लॉग में ही पता चलेगा. व्लॉग एंजॉय करने पर व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज, एक्चुअली मैं नाइट कहूँ या गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 2 और बहुत मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही है मुझे और नींद भी बहुत आ रही है. आईज पूरा जल रहा है. मैं जब पानी दे रही थी ना ब्रश करने के टाइम, तब आईज पूरा जलने स्टार्ट हो गया क्योंकि नींद बिल्कुल भी रात को नहीं हुई है. 12 बजे के बाद हम लोग सोए हैं क्योंकि थोड़ा सा तो सोना ही है. पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम सोएंगे ही नहीं, फिर लगा कि नहीं, इतना लंबा जर्नी है, अगर रास्ते में तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा तो सोने की कोशिश की है. बहुत देर से कोशिश कर रहे थे 10 बजे से, लेकिन 12 बजे नींद आई, 12 बजे के बाद आई. यस, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कैमरा से व्लॉग कर रही हूँ एंड इतना भारी है ना, मेरे हैंड्स वगैरह दुख रहे हैं. सो अभी मैं अपना नाइट ड्रेस जो है वो चेंज करूंगी, उसके बाद मैं पूरा रेडी वेडी होकर आप लोगों के साथ मिलती हूँ. वैसे तो रात को मैं क्या शूट करूंगी क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा है और नींद भी आ रही है. सो लेट्स सी गाड़ी में हम लोग कहाँ पर रुकते हैं एंड ऑल. सो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ. एक्चुअली आई एम गोइंग टू माई सिस्टर्स ऑफिस. आप लोगों ने एक व्लॉग देखा था कुछ महीने पहले जब मैं उसे छोड़ने गई थी आफ्टर लॉकडाउन, जब उनका ऑफिस खुल गया था उस टाइम. लेकिन अभी वो दिवाली छुट्टी के लिए आई है घर, तो अभी फिर से हम लोग बाय रोड बाय कार ही जाएंगे क्योंकि अभी ट्रेन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करते. पूरा 8 to 9 आवर्स का जर्नी है, हम लोग उसे छोड़ने जाएंगे, फिर वापस उसी दिन आना है क्योंकि अभी मेरा एग्जाम्स का टाइम है. सो वी कांट स्टे देयर. टोटल इट्स लाइक 20 आवर्स की जर्नी है. सो आई एम अ लिटिल बिट स्केयर्ड ऑल्सो बट एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ. सो चलिए अभी चाय वगैरह पीते हैं एंड लेट्स सी. बाय. व्लॉग को एडिट करने के टाइम मुझे ये क्लिप मिला एंड ये मेरी दीदी ने शूट किया था जब मैं थोड़ा सा सो गई थी कार में. वो जब सोई और मैं रिवेंज लेने के लिए जब शूट करने गई तो वो उठ गई. ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप, एक पेट्रोल पंप. ऑब्वियसली हम लोग फ्रेश होने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है. सो अभी थोड़ा सा हम लोग खाएंगे, जो घर से लाए हैं वही खाना हम लोग खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं. अभी तो 4 घंटा और है. ये मालदा है, अभी बहुत रास्ते बाकी है. सो लेट्स सी. बॉयल्ड एग के साथ हम लेकर गए थे ये कप्पा नूडल्स. ये 45 रुपीस का आता है. इसमें चिली फ्लेवर है बट ये बिल्कुल टैंकी सा टोमेटो फ्लेवर था, चिली जैसा कुछ था ही नहीं. और ऊपर से इसका टेस्ट ना नॉर्मल मैगी से थोड़ा सा अलग था, तो मुझे नॉर्मल मैगी ही ज़्यादा पसंद आती है. सो अगर आप इसे ट्राई करते हैं ना तो आप नॉर्मल मैगी ही लेकर जाइए, ये उतना अच्छा नहीं लगा हमें.
गाइस वी हैव रीच्ड और अभी हम लोग हॉस्टल में थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद आई विल शो यू ऑल। गाइस देखिए, ये घर से इतना सारा खाना हमेशा लेकर आती है और ये मुझे छोड़कर अकेले यहाँ पर ठूस ठूस के खाएगी। It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Well, hi guys. Hi guys. So, अभी हम लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं फ्रेश होकर और फिर लंच करेंगे, उसके बाद हम लोगों को फिर से निकलना है। तुमने लैपटॉप कब लिया? देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप है और ये जो एरिया है, यह स्विमिंग पूल आप लोग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बस थोड़ा सा ही घूम कर लंच करके चले जाएंगे, लेकिन बहुत टायर्डनेस भी फील हो रही है। और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत है, धूप भी है लेकिन उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, सो काइंड ऑफ वी आर एंजॉयिंग। Wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. इंजीनियर काम पे लग गए हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि ये घड़ी चलती है कि नहीं। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि वो मैं उसे छोड़ कर जाऊँगी। सर को नब मिस यू। इतने ज़्यादा धूप में हम लोग रेसिंग ट्रैक पर दौड़ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है और हमें घर भी जाना है, लंच भी करना है और जाने का मन भी नहीं है, थोड़ा सा टायर्डनेस भी हो रहा है। सो वी आर रनिंग। दीदी को तो बाय कर दिया है लेकिन अभी मन नहीं कर रहा उसे छोड़कर जाने का। बाय भैया। That's what I've been looking for. तो गाइस अभी हम लोग एक ढाबे पर रुके हैं थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए, बहुत टायर्ड हैं हम सभी, सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में। फिर 6:30 बज रहे हैं अभी, बहुत ठंड है, शायद 11 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते, लेट्स सी। ध्यान से देखिए, वो जो सेकंड वाला ब्रिज है ना, वो टूटी हुई है, इट्स अ ब्रोकन ब्रिज। तो ये एरिया अगर आप पहचान गए हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कौन सा जगह है। सो गाइस वी आर बैक होम और बहुत टायर्ड फील हो रहा है, मतलब कमर की तो हालत खराब ही है, इतना लंबा जर्नी है, इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना रास्ते में, हम लोगों ने जैसे तैसे करके इधर उधर से गाड़ी भगा कर हम लेकर आए हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा
ट्रैफिक था, तो अभी बज रहे हैं 11 और 11 बजे हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा खाएंगे एंड फिर सो जाएंगे। आई एम फीलिंग सो टायर्ड। अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया है देन एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, इसी तरीके के व्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी मैं जाऊंगी सोने। गुड नाइट एवरी वन एंड बाय।